सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। बीजेपी में भी काफी खुशी की लहर है। हमारे साथ मौजूद है हरियाणा के उद्योग मंत्री विपुल गोयल, उनसे चर्चा करेंगे। विपुल जी, सबसे पहले तो बधाई जिस प्रकार बीजेपी ने जींद में प्रदर्शन किया है। देखिए, जो जीत के इस उपचुनाव में देश की जनता का मूड बता दिया कि 2019 में भी माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, और जो हरियाणा का एक समग्र विकास 2014 में से लेकर अब तक माननीय मनोहर लाल जी ने जो राजनीति के मायने बदले हैं, और एक राजनीति को सेवा का माध्यम, और कहते ना सबका साथ सबका विकास नारे को चरितार्थ करने का काम किया, उस पर उस विकास के मॉडल को माननीय मनोहर लाल जी की नीतियों को यहाँ पर जीत मिली। और विपक्ष का जो नारा था, जातिवाद की बात करो, क्षेत्रवाद की बात करो, भाई भतीजावाद की बात करो, उसको ठुकराते हुए माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये जीत जींद की जनता ने दर्ज की है। और मैं जींद की जनता को भी इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि मुख्यधारा और माननीय मनोहर लाल जी की नीतियों से जुड़ने का काम जींद की जनता ने किया। विपुल जी, जिस प्रकार से जींद को जाटलैंड कहा जाता है, वहाँ से राजनीति की बांगड़ बेल्ट की एक केंद्र बिंदु की राजनीति होती है, वहाँ से पंजाबी कैंडिडेट और वो बीजेपी ने अपनाया, उसकी जिस प्रकार से जीत हो रही है, उसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी ना तो जात की बात करती है, ना क्षेत्रवाद की बात करती है, सिर्फ और सिर्फ एक विकास जो एक मॉडल है। जींद के अंदर पिछले अनेकों सालों से लोगों ने राजनीतिक रोटियां तो सेकी, अनेकों जातियों पर तो उन्होंने वोट लिए, लेकिन जींद का विकास नहीं किया। पिछले 4.25 साल में जो जींद का विकास हुआ है, उसको उस पर उसको एंडोर्स करते हुए, उस पर मोहर लगाते हुए जींद की जनता ने सब बातों से ऊपर उठकर माननीय मनोहर लाल जी के इस विकास मॉडल को अपनाया और भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीत दर्ज कराया। विपुल जी, जिस प्रकार से बांगड़ बेल्ट में जींद के अंदर बीजेपी का परचम पहली बार लहराया है, देखिए मैंने कहा ना, पूरे हरियाणा की जनता का जो मिजाज है वो मोदी और मनोहर की जोड़ी के साथ है। चाहे 2019 में लोकसभा की बात हो, चाहे विधानसभा की बात हो, सभी 36 बिरादरियां मिलकर इस विकास मॉडल को, जो दोनों की मनोहर और मोदी की जोड़ी ने इसे चरितार्थ किया, इस पर मोहर लगाने जा रही हैं। और चाहे बांगड़ बेल्ट हो, चाहे जाट बेल्ट हो, सभी के अंदर कमल खिलने का काम होगा। और एक भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे क्षेत्र में कमल खिलाया है जिसे एक राजनीतिक गढ़ कहा जाता है, एक राजनीतिक वरदान, राजनीतिक आशीर्वाद देने वाली जगह कही जाती है, कि जींद के लोग जिसको आशीर्वाद देते हैं वो पूरे प्रदेश में कमल खिलाने का काम करता है। तो 2019 के अंदर भी माननीय मनोहर लाल जी पूरे प्रदेश के अंदर कमल खिलाएंगे और लोकसभा के अंदर हम 10 की 10 सीटें जीत दर्ज करेंगे। आप जींद में भी रहे, वहाँ भी आपसे मुलाकात हुई, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ बड़े चेहरे, रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस का काफी बड़ा चेहरा है, उसके अलावा दिग्विजय जिन्होंने नई पार्टी बनाई, दुष्यंत के छोटे भाई हैं, इनेलो, ये सभी मैदान में थे। इस बात को आप दो तरीके से देखिए, वो पार्टी के लिए तो बड़े चेहरे हैं, लेकिन उससे उनका कहते हैं ना पिटारा खुल गया कि वो कार्यकर्ता विहीन पार्टी है। ना तो उनके पास जींद का कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी था, ना जींद के पास जेजेपी के पास प्रत्याशी था। उसने अपने पारिवारिक व्यक्ति को टिकट देने का काम किया, और उन्होंने उसी हाउस के जो व्यक्ति ऑलरेडी उसी हाउस में और एक बड़ा चेहरा दिखाकर वहां पर उतारने की बात की, लेकिन जींद की जनता ने उन्हें नकार दिया कि इस तरीके की बातें अब नहीं चलेंगी, और जो मनोहर लाल जी का विकास मॉडल है उस पर चलकर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जींद को जनता ने, जींद की जनता ने जो जीत दर्ज कराई है और जो विश्वास व्यक्त किया है, वो इन सब बातों के खिलाफ व्यक्त किया है। तो विपुल गोयल का बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना है कि मोदी और मनोहर की जोड़ी अगले लोकसभा तथा विधानसभा चुनावों में भी हरियाणा के अंदर पूरी जबरदस्त परचम लहराने जा रही है, और बीजेपी हरियाणा के अंदर जहां विधानसभा में पूरी स्विंग करेगी, वही लोकसभा की 10 की 10 सीटें जीतेगी। कैमरामैन अमर सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।